गर्व से सीना चौड़ा कर दिया भाई। तो भाई पहली दफा पता चला नहीं सही बात। अब भाई ने जो मेंशन किए ना कंट्री है उसको देखने बाद भाई ये तो लगता है कि भाई फेक रिपोर्ट तैयार रिपोर्ट से दिल्ली उठ गया। बहुत है भाई बीड़ी पी के बनाई है। स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम ट्वी ब्रो ऑफिशियल की वीडियो देखने जा रहे हैं जिसमें वो पाकिस्तान को रोस्ट कर रहे हैं और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट आई है उसमें शायद पाकिस्तान हमसे ऊपर है तो उसी पे ट्वी ब्रो भाई उनको रोस्ट कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। 10 रुपए का सवाल है 10 रुपए दे दो। क्या मतलब भाई फकीर है मांग रहे अल्लाह के नाम का दे दो। कोई तरीका है भीख मांगने का? क्यों देते हैं 10 रुपए? तुम्हें महंगाई नजर नहीं आ रही? हम खुद भूख मर रहे हैं। तेरी हालत इतनी पतली हो गई है कि चाय पानी का भी जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। आंसू पी पी काम चला रहा हूँ मैं। हम लोग सुबह से घूम रहे होते हैं सही है 70% तो हमारा ठेकेदार ले लेता है। ले 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 सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। तुम लोग 10 रुपए देते हुए तुम लोगों को मौत आती है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? मैं कह रहा हूँ अभी नहीं है मेरे पास तो गले पड़ोगी मेरे। इतनी दुकान खोल के किस लिए बैठे हुए? बंद करो इसको। खत्म। भाई लोग पाकिस्तान कंगाली के उस दौर से गुजर रहा है कि भिखारियों ने तक विकराल रूप धारण कर लिया है। बंदे भीख भी ऐसे मांग रहे हैं जैसे उधार दिया वापस मांग रहे हों। और मांगे भी क्यों ना जब पूरे पाकिस्तान ने ही इनसे इनका धंधा छीन लिया हो। पहले पाकिस्तान में सिर्फ भिखारी ही भीख मांगते थे, आज नेता आवाम सारे मिलकर भीख मांग रहे हैं। नेता विदेशों से भीख और आवाम आटे की भीख। खाने को कुछ नहीं है, अल्लाह का वाज बात है, आवाम को आटा नहीं मिल रहा, बच्चे भूख मार रहे हैं। और जब शहबाज शरीफ को पता चला कि लोग एक वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, कहीं आटा नहीं मिल रहा, तो बंदे ने फैसला किया और वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के 185,000 मुस्तक खानदानों के लिए मुफ्त आटा देने का फैसला। और जैसे ही मुफ्त आटा बंटना शुरू हुआ, अफसोसनाक खबर आ रही है 4 सदर से जहां के सस्ता बाजार में मुफ्त आटा तकसीम के दौरान भगदड़ मची है। और भगदड़ ऐसी कि लोगों को आटे के चक्कर में अपनी जान तक गंवानी पड़ गई। सस्ता बाजार में भगदड़ मच गई, पांव तले दबकर एक शख्स जान की बाजी हार गया। हम लोग पाकिस्तानी नेताओं का सही है, आवाम को भूखा नहीं मार पा रहे तो आटे के नाम पर बुला बुला कर मार रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई दिन जाता होगा जिस दिन मुफ्त आटे के चक्कर में लोग जाने न गवा रहे हो। सस्ता और सरकारी मुफ्त आटा आज फिर एक जान ले गया। मुफ्त आटा रोज जान ही निकलने लगा। मतलब बंदे जाते तो है मुफ्त आटा लेने के चक्कर में, लेकिन आटे की जगह मिलता क्या है? आटा ना मिला मौत मिल गई, वो भी किस आटे के लिए? गवर्नमेंट ने खुद दिया है कि आप इसको पीस के ना बेचो, आवाम को खिलाओ। ये हमारी देख लिया क्या है, इसको हम पीसेंगे फिर इसको आटा बनाएंगे फिर हम बेचेंगे फिर आप खाएंगे। अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। भाई इसी वजह से पाकिस्तानी सरकार लोगों पर इतना मेहरबान हो रही थी ताकि फ्री आटे के नाम पर सड़ा गला अनाज निकाला जा सके। और भाई हैरानी तो इस बात की होती है कि जिस आटे को हम जानवरों तक को नहीं डालते उस आटे के लिए पाकिस्तानी लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं। कोई अकल है आपके पास? और भाई यही कारण है कि कल तक जो पोर्गी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते फिरते थे आज उनका कहना है पाकिस्तान से जिंदा भाग, क्योंकि पोर्कियों की हालत पाकिस्तान का मुस्तकबिल आज भीख मांग रहे हैं। जिनके हाथ में पेन होना चाहिए कलम होना चाहिए वो भीख मांग रहे हैं। ये आवाम को कफन मिल जाए बहुत बड़ी बात है, मैं आजकल के इस दौर में बोल रहा हूँ। ये भी कफन भी शायद हो सकता है आने वाले वक्तों में कफन भी महंगा कर दे। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पाकिस्तान की इस हालत के बावजूद भी पाकिस्तान दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की लिस्ट में इंडिया से कहीं ऊपर बना हुआ है। चौंक गए। हेलो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है किसी देश की GDP लाइफस्टाइल सोशल सपोर्ट करप्शन कम और उदारता आदि के आधार पर। और इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देश हैं फिनलैंड डेनमार्क आइसलैंड इजराइल नीदरलैंड। और वहीं सबसे ज्यादा दुखी देशों में शामिल हैं अफगानिस्तान लेबनान सियेरा लियोन जिम्बाब्वे कोंगो, जिसमें सबसे खराब स्थिति है अफगानिस्तान की जो इस रिपोर्ट में सबसे आखिरी यानी 137 पायदान पर है। लेकिन अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की तो भारत 126 और पाकिस्तान 108 पायदान पर है। मतलब इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा खुशहाल है जबकि क्योंकि हालात कैसे गुजारे किस तरीके से कर रहे हैं भाई? हम क्या कर रहे हैं कैसे बताएं? हम तो कर रहे हैं हमारा तो अल्लाह हाफिज है बस। हम किस तरह गुजारा कर रहे हैं सिर्फ हम जानते हैं, हमारा दिल जानता है। कैसी जिंदगी गुजर रही है? बड़ी मुश्किल गुजर रही है। कैसे गुजर रहे हैं दिन? बहुत बुरे। सारा दिन आटे की तलाश में मारे मारे फिरते हैं लेकिन आटा नहीं मिल रहा। मतलब लोग आटे के चक्कर में जाने गंवा रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, मुल्क का मुगले आजम भीख मांगता फिर रहा है, यहाँ तक कि पोर्की खुद कहते फिर रहे हैं रोटी नहीं है पेट में तन पे नहीं कपड़ा, हालात के भंवर ने हमें इस तरह जकड़ा। मजा
पाया, हर एक का यही हाल है। लेकिन उसके बावजूद भी इस रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से ज्यादा खुशहाल है। ये ना समझा क्या मेरे को? मतलब भाई एजेंडा चलाने की भी हद होती है। यूक्रेन जहाँ एक साल से ज्यादा हो गया, युद्ध खत्म होने में नहीं आ रहा, पूरा देश कब्रिस्तान बना हुआ है और इसकी रैंक 92। श्रीलंका जो पूरी तरह डिफॉल्ट होकर बेहोश हो चुका था, खुद इंडिया उसकी मदद करके होश में लाया, उसकी रैंक 112। तुर्की जो आर्थिक स्थिति में पहले ही गिरा हुआ था, कुदरत ने भूकंप लाकर उसमें एक लात और मारी, जो अब ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, उसकी रैंक 106। म्यांमार जहां फौज के खिलाफ आवाम सड़कों पर उतरी हुई है, आए दिन फौज द्वारा आम लोगों को उड़ाया जाता है और उसकी रैंक 117। ईरान जहां हिजाब को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, महिलाओं को जीना हराम किया हुआ है और उसकी रैंक 101। लेकिन भारत जहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इन मुल्कों से कहीं ज्यादा बेहतर हालात हैं, उसकी रैंक 126। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? पता नहीं भाई किसने ये रिपोर्ट चरस फूंक कर बनाई है, उसे इतना दिखाई नहीं दिया कि किस मुल्क में क्या हालात हैं, जबकि रिपोर्ट की माने तो ये 2023 की है, जिसमें 2023 तक का डेटा लेना चाहिए था, लेकिन नहीं, बंदों ने बड़ी चालाकी से 2022 का डेटा ही मिस कर दिया और रिपोर्ट को नाम दे दिया वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। और लोग हैं कि इस रिपोर्ट को सच मान बैठे हैं। अब भाई जिसने भी ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनाई है, एक काम करो, इस रिपोर्ट की बत्ती बनाओ और पता है क्या करना? क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना। भाई आखिर में मैं बस इतना कहूँगा, 4 चवन्नी घोड़े पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट मेरे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। माल की बात, मुझे लग रहा है 2022 का डेटा लेके रिलीज हुई है 2023 में इनिशियल स्टार्टिंग। एक मिनट, अगर 2022 का भी डेटा लिया, यूक्रेन की वॉर तो 2022 में हुई थी शुरू, यूक्रेन तो फिर वो कैसे हमारे सुपर चला गया? पता नहीं, हो सकता है वो 25-30 हो, उससे कम हो गया, 90 हो गया हो, सब गड़बड़ है, पता नहीं क्या गेम खेल रहे हैं। ये दुनिया की नीति होती है कि दूसरे देश को, किसी के देश के ऊपर लीवरेज लेने के लिए दूसरे देश को यूज करते हैं। अब वो थप्पड़ खाई आ रहे हैं, बेइज्जती करवा रहे हैं अमेरिका की, अच्छी तरीके से पेलते हैं पुर्की अमेरिका को, गालियां निकालते हैं, लेकिन बेशर्म है वो अमेरिका, इनको एड भी देता है, इनको F-16 के लिए 450 मिलियन भी पकड़ा देता है, 20-25 मिलियन डॉलर कभी एड के नाम पे, कभी भूकंप के नाम पे, कभी क्या कहते हैं फ्लड के नाम पे, ऐसे ऐसे देता रहता है ह्यूमैनिटी के नाम पे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। ट्वीब्रो ऑफिशियल के सभी वीडियोस बहुत ही मजेदार होते हैं और ये वाला भी ऐसा ही था। शुरू में थोड़ा सा वो था, लेकिन फिर एंड में तो मजा ही आ गया। और जो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाल दे है, पता नहीं जैसे ट्वीब्रो ने कहा कि क्या फूक के ये रिपोर्ट बनाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता। जो पाकिस्तान के यहाँ आटे के लाले पड़े हुए, इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, आए दिन टेररिस्ट वहाँ पे हमले कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमसे हैप्पीनेस इंडेक्स में आके हैं, तो पता नहीं ये क्या सोच कर ये रिपोर्ट भी निकालते हैं और मानने वाले लोग भी इसे मानते हैं। श्रीलंका जिसके हालात इतने ख़राब थे कि इंडिया ने उनको $4 बिलियन की क्रेडिट देकर उनकी स्थिति थोड़ी सुधारी, लेकिन वो भी इंडिया से खुशहाल है। और क्या कहे इस रिपोर्ट के बारे में, तो जो ये सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए ये सब रिपोर्ट्स निकालते हैं, बाकी इसका कोई रियलिटी से कुछ वास्ता नहीं होता है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।